हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RRCWR रेलवे नई भर्ती 2024 से रिलेटेड जानकारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2024-25 के लिए अप्रेंटिस में रेलवे में अप्रेंटिस का शानदार मौका आप सभी को दिया गया है। भर्ती संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन से लेकर के इंपॉर्टेंट डेट्स तक की जानकारी। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं वैकेंसी से रिलेटेड। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे WR। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे RRCWR अप्रेंटिस 2024-25 के नए नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, क्या एज लिमिट होगी, फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है और कब तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, संपूर्ण जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। क्लस्टर वाइज वैकेंसी डिटेल्स की भी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं इसकी वीडियो में। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ सीधा सीधा बढ़ते हैं, और सबसे पहले आवेदन की तिथि बता देते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में एप्लीकेशन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 23/9/2024 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 23/9/2024 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो करके 22/10/2024 को शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फीस पेमेंट के लिए 22/10/2024 तक का ही समय दिया गया है। रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हैं। RRCWR अप्रेंटिस मेरिट पर भर्ती होगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। मेरिट लिस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC और EWS के लिए ₹100 का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि SC ST कैटेगरी के लिए, दिव्यांग कैटेगरी के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। महिला वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वह जनरल से हों, OBC हों, SC हों, EWS हों, ST हों, दिव्यांग हो, किसी भी महिला वर्ग के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क देय नहीं है। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ई चालान के माध्यम से भी आप फॉर्म का फीस जमा कर सकते हैं। RRCWR अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2024 के एज लिमिट की बात करें दोस्तों, तो न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु में छूट की बात करें तो एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC वेस्टर्न रेलवे WR रूल्स के अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट भी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए आपको फुल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करके उन्हें भी इसकी जानकारी दें, और नोटिफिकेशन में जा करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस 2024 के वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो कुल 5066 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें पद नाम है RRCWR अप्रेंटिस। टोटल पदों की संख्या 5066 निर्धारित की गई है। रेलवे WR अप्रेंटिस एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो क्लास 10th अर्थात हाई स्कूल पास्ट विद 50% मार्क्स। या दोस्तों, 50% अंकों के साथ आपके पास कक्षा 10वीं उत्तीर्ण का मार्कशीट होना चाहिए। साथ ही साथ ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपका ITI का सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखें, जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हम बात कर लेते हैं डिवीज़न वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डिवीज़न वाइज वैकेंसी डिटेल्स की भी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं, तो WR अप्रेंटिस 2024 डिवीज़न वाइज वैकेंसी डिटेल्स में वेस्टर्न रेलवे डिवीज़न क्लस्टर्स नेम की बात करें तो BCT डिवीज़न में 971, BRC डिवीज़न में 599, ADI डिवीज़न में 923 पदों की संख्या निर्धारित की गई है। वहीं RTM डिवीज़न की बात करें तो 558 पद सृजित किए गए हैं, जबकि RZT डिवीज़न में 238 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं BBP डिवीज़न्स 255, PLW शॉप में 634, MXW शॉप में 125 पद समावेशित किए गए हैं। वहीं BBPW शॉप में 143 पदों का समावेश किया गया है। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे और जानकारी के लिए आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। DHDW शॉप में 415 पद सृजित किए गए हैं, जबकि PRTNW शॉप की बात करें तो 86 पद हैं, जबकि SBI इंजीनियरिंग वर्कशॉप में 60 पद निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा SBI सिग्नल वर्कशॉप की बात करें तो 25 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि हेडक्वार्टर ऑफिस की बात करें तो इसमें कुल पदों की संख्या 34 निर्धारित
की गई है। हेडक्वार्टर ऑफिस में 34 हैं। इस तरह से अगर हम टोटल पदों की संख्या के बारे में जानकारी दे दें आपको तो कुल 5066 पद निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं उन्हें यह सलाह दी जाती है कि आप फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लें। इसके अलावा दोस्तों इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई वैकेंसी डिटेल्स के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।